नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं विक्रम श्रीवास्तव। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। नैनीताल जिले के बिंदुखता में हाथियों के झुंड ने बुधवार देर रात रावत नगर प्रथम स्थित तीन मंदिर के पास सोने की तैयारी कर रहे खनन मजदूरों पर हमला कर दिया। वे जब तक कुछ समझ पाते तब तक हाथियों के झुंड ने एक मजदूर को कुचल कर मार डाला, जबकि उसके भाई समेत तीन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मृतक बिहार का रहने वाला था, जबकि घायल उत्तर प्रदेश के खुशीनगर के रहने वाले थे। रावत नगर प्रथम स्थित तीन मंदिर के पास बिहार और उत्तर प्रदेश के करीब 30 मजदूर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। सभी गौला नदी में खनन का काम करते हैं। बुधवार को रात को वो खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी इमली घाट की ओर से आए हाथियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। कोरोना के दुष्प्रभाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आई बेरोजगारी को दूर करने के लिए नगर निगम ने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। अगले 3 वर्ष में 10,000 रोजगार देने का दावा महापौर सुनील उनियाल गामा ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर किया। इस दौरान महापौर ने बुधवार को न सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाई बल्कि आने वाले समय के विकास कार्यों का खाका भी पेश किया। महापौर ने कहा कि कोरोना काल के चलते न सिर्फ बड़ी संख्या में रोजगार छीने बल्कि प्रवासी भी अपने घर लौट आए हैं। ऐसे में शहर में रोजगार उपलब्ध कराना नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है। नगर निगम की ओर से राज्य आंदोलनकारियों एवं दिव्यांगों के लिए रोजगार में अलग कोटा तय किया जाएगा। सचिवालय संघ में बाहरी संवर्ग के कार्मिकों को सदस्य के रूप में शामिल करने पर विरोध के सुर उठने लगे हैं। संघ के उपाध्यक्ष संदीप मोहन चमोला और पूर्व महासचिव प्रदीप पनपे ने इस संघ के संविधान के विरुद्ध बताया है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन को संघ द्वारा भेजे गए बाहरी संवर्गों के कार्मिकों को सदस्य बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है। वहीं संघ के महासचिव राकेश जोशी ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि आम सभा में ही इस संबंध में निर्णय लिया गया था। संघ के उपाध्यक्ष व पूर्व महासचिव इस संबंध में सचिवालय प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। बाहुबली विधायक विजय मिश्र, पत्नी MLC रामलली मिश्र व उनके पुत्र विष्णु मिश्र के नाम जारी हुए 7 असला लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। DM कोर्ट ने बुधवार को शाम को यह फैसला विधायक पर दर्ज हुए 23 आपराधिक मुकदमों के कारण सुनाया है। हालांकि विधायक पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 1 महीने की मोहलत भी दी गई है। पुलिस को असले माल खाने में जमा कराने के भी आदेश हुए हैं। करीब 2 महीने पहले पुलिस अधीक्षक ने लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति DM को दी थी। बता दें कि विधायक व उनके पुत्र के नाम 2-2 और MLC के नाम 3 असले के लाइसेंस सालों पहले जारी किए गए थे। फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना प्रक्रिया गुरुवार को सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय भवन में सबसे पहले इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 17 जिलों से यह लाई गई मत पेटियां का मिलान किया गया। इसके बाद वैध व अवैध मतों को अलग करने का काम किया जा रहा है। शिक्षक MLC के चुनाव के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले गए थे। पूरे क्षेत्र में 73.94% यानी करीब 29,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मत पेटिका में 16 प्रत्याशियों की किस्मत बंद है, जो मतगणना के साथ खुलेगी। राजधानी में एक चिकित्सक को अगवा कर फिरौती मांगने का मामला प्रकाश में आया है। KGMU के दंत चिकित्सक विभाग में तैनात चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश चौबे को मंगलवार रात कुछ बदमाशों ने अगवा कर लिया था। बदमाश उन्हें अलग अलग स्थानों पर लेकर गए और 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पीड़ित चिकित्सक ने बताए गए घटना स्थल पर पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले। पीड़ित चिकित्सक का कहना है कि लोहिया अस्पताल के पास वह बाथरूम करने के लिए रुके थे, इसी दौरान मंगलवार देर रात बदमाशों ने उन्हें अगवा किया था। इसके कई घंटों बाद वह किसी तरह अपनी जान बचाकर बदमाशों के चंगुल से
मुक्त हुए। बुधवार देर रात डॉक्टर कल्याणपुर विकास निगर नगर निवासी अखिलेश विकास नगर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पूरे मामले की जानकारी होने के बाद विकास नगर पुलिस ने चिकित्सक को विभूति खंड थाने में जाकर शिकायत दर्ज करने को कहा। इसके बाद डॉक्टर अखिलेश बुधवार देर रात विभूति खंड थाने पहुंचे और तहरीर दी। एसपी विभूति खंड स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि चिकित्सक की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में छानबीन हो रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं विक्रम श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। जाने से पहले एक जरूरी संदेश याद रखें, मानवता की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज की महिला सिर्फ घर गृहस्थी को संभालने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। उन्हें भी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का हक है। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।